Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Thank you very much. Hello, Sayyamana Mataji, same to you and wishing everybody Ratha Saptami. So, आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 12 और 13. तो हम लोग से शुरू करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. दष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्ण. मेरा आवाज क्लियर है ना? हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. थैंक्स माता. चलो आई विल शेयर द श्लोका. हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 12 और 13. हम लोग 12 में पढ़ते हैं. स एष साधो चरमो भवान आसादितस्ते मदनुग्रहो यः यन्मां त्रिलोकान् रह उत्सृजन्तम् दृष्ट्या दृष्ट्वान् सदानुवृत्त्या. Translation, O honest one, your present life is the last and the supermost because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go to my transcendental abode, Vaikuntha, by leaving this universe of conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place because of your pure and unflinching devotional service is a great boon for you. मैं सेकंड श्लोक भी पढ़ लेता हूँ. श्लोक नंबर 13. पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा भासं यत् सूर्यो भागवतम वदन्ति. Translation and purport by Sri Ganesha Bhaktivinoda Sarupa Jai Shri Prabhupada. O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of creation, I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of Naval, about my transcendental glories, which the great sages described as Srimad Bhagavatam. Ek baar phir padhta hoon. O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of creation, I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of my navel, about my transcendental glories, which the great sages described as Srimad Bhagavatam. Prabhupada, hum log kuch line padh lete hain. Tatpari Srila Prabhupada dwara Srila Prabhupada ki jai. The explanation of the Supreme Self as given to Brahma and already explained in the second canto of this great literature is further clarified herein. The Lord said that the concise form of Srimad Bhagavatam explained to Brahma was meant to elucidate his personality. The impersonal explanation of those four verses in the second canto is nullified herewith. Sridhara Swami also explains in this connection that the same concise form of Bhagavatam concerned the past and for Lord Krishna was never meant for impersonal indulgence. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय गोतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदादर्शी वासादि गौरव भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब भगवान जो है बोल रहे हैं. हमने देखा था कल के श्लोक में देखा था श्री भगवान हमारा
तो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे थे कि हम लोग को कल के श्लोक से ये पता चला कि उद्धव जी जो है वो वसु का ही एक अंश है और इसके लिए वो वसु के नाम से उनको संबोधित करते हैं, हे वसु। और फिर बाद में वो कहते हैं कि तुम लोग सब जो है डेमिगॉड्स रिस्पॉन्सिबल, आप लोग सब तपस्या कर रहे थे, सेक्रीफाइसेस यज्ञ कर रहे थे इस यूनिवर्सल अफेयर से जो जो भी सृष्टि जो है उसको चलाने के लिए, लेकिन तुम्हारा मन में एक पर्टिकुलर डिजायर था कि तुम मेरा संग करो और ये जो है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैंने ये तुम्हें दिया। तो अब आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान आगे कहते हैं कि ए ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट वन, यानी एकदम जो बोलते ना बहुत ही सिंसियर और जो ऑनेस्ट होता है, तुमने पिछले जन्म में जो था सॉरी तो तुम्हारा अभी का जो जन्म है वो तुम्हारा आखिरी है। ये भगवान उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं। हम लोग को तो पता नहीं हम लोग कितना और जन्म निकालना है, कितना हम लोग भक्ति करेंगे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि उद्धव जी कितने शुद्ध हैं और भगवान खुद उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये तुम्हारा लास्ट लाइफ है, न सिर्फ लास्ट है लेकिन बोलते ये सुपर मोस्ट भी है, सबसे बहुत टॉप मोस्ट भी है एकदम। क्यों? क्योंकि इस जन्म में मैंने तुम्हें अपना जो सबसे जो महत्वपूर्ण कृपा है वो तुम्हें दे दिया, अब इसके बाद तुम सीधा मेरे धाम में जाओगे, वैकुंठ में। भगवान बोलते हैं कहाँ जाएंगे वो भी बताते हैं, वैकुंठ में। और बोलते हैं कि ये जो हमारा अभी मीटिंग हो रहा है इस एकांत स्थान में जो हो रहा है ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम शुद्ध हो, अनफ्लिंचिंग यानी अडिग हो, और तुम्हारा जो भक्ति है वो एकदम अडिग है, और ये जो है ये एक महान वर है तुम्हारे लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उद्धव जी का हमने देखा था कितना ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो भगवान खुद उनको अफर्म कर रहे हैं कि उनका जो भक्ति है वो अडिग है। जैसे भागवतम में आता है ना का अप्रतिहता, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट भक्ति करें या 2 घंटा भक्ति करें या इवन 23 आवर्स, ऐसा नहीं बोलते भगवान। भगवान बोलते हैं सततम, और ऐसा भक्ति उद्धव जी का था, वो उनका जो था एकदम अडिग था और बहुत ही फोकस था उनका। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो चलो फिर इस भगवान के पास भागो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वहां पे जाओ, ऐसा नहीं। ही वाज वेरी फोकस्ड, प्रहलाद महाराज की तरह, चाहे जो भी हो जाए, उनको पहाड़ से भी फेंक दिया जाए तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको सांप में डाला है, हाथी के पांव के नीचे डाला है, ही जस्ट फोकस्ड एंड चैंटिंग हिज होली नेम्स। ये हम लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छा तात्पर्य इसमें, कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान है जिसको भगवान के बारे में और जो लिबरेटेड स्टेट में है, उसी को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। और हम लोग जानते हैं ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के परे जो है जो लेयर्स हैं उसके बाद में फिर वैकुंठ धाम आता है, तो बहुत लंबा जो है बहुत दूर है ये, लेकिन इसका क्या कहते हैं उसका क्या गुण क्या होना चाहिए वहां पे जाने के लिए, फुली कन्वर्सेंट विद द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, भगवान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वो मुक्त अवस्था में होना चाहिए, तब वो वहां पे प्रवेश कर सकता है। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो उद्धव जी का और भगवान का ये जो मिलन हो रहा था, इनका जो जो मीटिंग हो रहा था इस एकांत स्थान में, क्योंकि भगवान का अभी टाइम हो गया था, भगवान जाने ही वाले थे, और उस समय में भी उद्धव जी इतने भाग्यशाली है कि वो भगवान का दर्शन कर सके। उस समय में भी हम लोग अगर कुछ श्लोक रिकॉल करें, पहले तो उद्धव जी कह रहे थे कि इवन जो राक्षस लोग हैं वो कितने भाग्यशाली है कि जो है उनको भगवान का दर्शन होता है, और
मृत्यु के समय में भी उनको जो है भगवान का दर्शन होता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उद्धव जी भी जो है वो कितने भाग्यशाली भगवान बता रहे हैं। हमने कुछ लोग पहले भी देखा था कि उद्धव जी भी बोलते हैं नहीं नहीं आप अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं रहना है, मैं भी आपके साथ चलता, लेकिन भगवान ने उनको इंस्ट्रक्ट किया नहीं, यू हैव टू वेट और तुम्हें यहाँ पे और प्रचार करना है। तो ये बात जो है कि उनका यहाँ पे जो जो मीटिंग हो रहा है, उनका जो मिलाप हो रहा है, ये बहुत ही उनके अच्छे भक्त होने के कारण हो रहा है। और फिर उनको ये भी कहते हैं कि बाद में तुम वैकुंठ में जाओगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इवन उद्धव जी जैसे इतने बृहस्पति के जो शिष्य थे, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान खुद इनकी सराहना कर रहे, फिर भी उनका जो अबोर्ड है उनको कहाँ पे दिया जा रहा है, इस वैकुंठा। तो दैट मीन्स गोलोका में एंटर करने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। उद्धव जी जैसे इतने जस्ट एक कॉन्ट्रा, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रास्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, कि उद्धव जी जैसे इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, इतने अडिग, जो उनका उनका भक्ति, भगवान भी बोल रहे तुम्हारा, तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, तुम्हारा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एंट्रेंस कहाँ पर मिल रहा है, वैकुंठा में। तो देर कैन बी टू रीजंस, वन एक उनका अपना डिजायर होगा, दूसरा ये कि देयर इज स्पेशल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू गोलोका, जैसे गोपियों का है। गोपियों का अगर हम लोग देखें तो उनका सर्वस्व भगवान पे न्योछावर करने के लिए तैयार है वो लोग। और वो भी हम लोग को स्टोरी पता है कि कैसे जब भगवान के सर में दर्द होता है तो सारे भक्तों से नारद मुनि जाके मांगते हैं, अरे भगवान के सर में दर्द है, उनका चरण का धूल दे दो। सब लोग जो है कान पे हाथ रखे भागते हैं, अरे ची ची कैसी बात कर रहे नारद मुनि जी, हमारे चरण का धूल। लेकिन जब गोपियों को पता चला, अरे हमारे कान्हा के सर में दर्द, अरे बाबा क्या दवाई क्या है इसके लिए, बोले चरण का धूल, बोले ये लो नारद मुनि, और झाड़ झाड़ के ये लोग। तो नारद मुनि पूछते, अरे आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं है क्या, बोले आप अपन चरण का धूल दे रहे हो, नरक जाओगे। अरे बोलते नारद मुनि जी, ठीक है हम नरक जाएंगे लेकिन हमारा कान्हा का सर दर्द तो ठीक हो जाएगा ना। जस्ट इमेजिन देयर लव फॉर कृष्णा, वो उनके लिए नरक में जाने के लिए तैयार है, हम लोग नरक जाएंगे लेकिन कान्हा का सर दर्द, इट्स अ सिंपल थिंग, सर दर्द है, हेडेक है, उनका सर दर्द के लिए दे आर रेडी टू गो टू हेल्प। सो दैट इज द फोकस एंड दैट इज द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इवन आई वॉज सरप्राइज जब मैंने देखा कि उद्धव जी को भी जो था गोलोक नहीं दिया, उन्होंने वैकुंठ दिया। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट। और फिर यहाँ पे आगे कहते हैं कि भगवान जो है सूर्य के समान है, भले ही वो यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, लेकिन वो रात तुम्हारी नहीं हुई है, सूर्य तो हमेशा है, शाश्वत है। जब पृथ्वी जब घूम रहा है तो एक जगह के लिए रात हो गई, दूसरी जगह पे जो है सूर्य उदय होता है और हमेशा ये चलते रहता है। तो ये उदाहरण हमेशा भगवान के लिए दिया जाता है कि भगवान कभी उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं होता, उनका लीला, उनका पास्ट टाइम्स हमेशा चलते रहता है, देयर इज नेवर एन एंड टू दैट, तो कभी खत्म नहीं होता। और इतना भी है कि भगवान अनंत अनंत शेष जो है वो अपने हजार हजार मुखों से अनंत काल से वो इस चीज का, उनके लीलाओं का, उनका रूप का, उनका वर्णन करते आ रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और बोलते हैं ये खत्म भी नहीं होगा, उसके लिए भी एक छोटा सा ऐसा है कि अनंत शेष जो थे वो उठाने के लिए तैयार नहीं थे सर पे ब्रह्मांड को, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं तुम उठाओ। बोलते हैं तो बोलते हैं कि कब तक उठाना है, बोलते हैं जब तक मेरा गुणगान जो है खत्म नहीं हो जाता। तो वो सोचते हैं ठीक है चलो तब तक मैं उठाता हूँ, और फिर वो उसको ले लेते हैं। लेकिन तब से लेके अब तक भगवान अनंत शेष जो है उनका गुणगान कर रहे हैं उनका, और ये वर्णन जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये मैंने कहीं पर सुना था ये चीज, तो जस्ट थॉट आई विल शेयर दैट। और फिर बाद में
यहाँ पे कह रहे द लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली बोथ इन वैकुंठ एंड एवरीवेयर. तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको वैकुंठ भेज दिया तो भगवान वहां पे नहीं है. वो जिस मूड में भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं वो भगवान वहीं पे भी है. तो वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव में है वो, और गोलोक में भी है, इस भौतिक जगत में भी है, सब जगह पे है. तो ये इस श्लोक में आता है. और फिर आगे इस जो श्लोक है उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवान को क्या, भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव जी से. उद्धवा ओ उद्धवा इन द लोटस मिलेगा. मैंने काफी मतलब इस सृष्टि के शुरुआत में मतलब हम लोग ने देखा था जब कैंटो वन में जब सृष्टि होती है तब भगवान ने उनको पूरा वो डिटेल देखा था और भगवान उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने ब्रह्मा जी को दिए थे, जो ब्रह्म वही ब्रह्मा जो मेरे नाभि कमल में जो उत्पन्न होते हैं, तो वो जो है जो मेरी ग्लोरीज हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वो जो मेरे इंस्ट्रक्शन है अबाउट माई ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज, मेरे जो लीलाएं हैं, मेरे जो जो स्तुति है वो मैंने ब्रह्मा जी को बताया था. और उसी को महान ऋषि लोग सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य मतलब यहाँ पे देवताओं को भी कहा जाता है. हम लोग देख रहे हैं द ग्रेट लेनेट सेजेस, कभी कभी सूर्य सूर्य जो है वो देवताओं को कहा जाता है. यहाँ पे जो है आचार्यगण बताते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो महान ऋषिगण है वो उनको संबोधित किया गया. बोलते हैं कि ये जो सूर्य है या ये जो महान ऋषिगण है ये उस जो मैंने जो बताया था उसकी उसी को भागवतम कहते हैं. तो डज एनीबडी रिमेम्बर कि कौन सा श्लोक है वो? डज एनीबडी रिमेम्बर दैट एंड भागवतम हमने देखा था सेकंड कैंटो में. नवड़ी तो ये है सेकंड कैंटो का नवा अध्याय का जो चतुर्श्लोकी भागवत हमने देखा था. हमने एक एक श्लोक जो है काफी डिटेल में देखा था. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 33, 34, 35, 36. तो ये जो चार श्लोक है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे और वही जो चतुर्श्लोकी भागवतम है वो एलेबरेट होके कभी कभी कहा जाता है कि ये आध्यात्मिक जगत में 1,00,000 श्लोक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 18,000 श्लोक है. तो इट इज इलेबरेटेड, वही जो भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसको इलेबरेट किया गया था. एंड यहाँ पे अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, सॉरी श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी जो है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं. वो कहते हैं कि संबड़ी यानी जो निराकारवादी है या मायावादी है वो लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है इसमें कहीं पे डायरेक्ट भगवान का रेफरेंस नहीं है. ये तो भगवान जो है ये निराकार है और इसीलिए वो लोग भी यही चार श्लोक कोट करते हैं और बोलते हैं भगवान निराकार. लेकिन अगर हम लोग देखें भगवान जो है यहाँ पे इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि ये मेरी स्तुति के बारे में है. तो जो भगवान की स्तुति के बारे में है भागवतम तो ये फिर निराकार कैसे हो गया? हाउ इट कैन बी इम्पर्सनल? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी ही जो है लीलाओं का वर्णन है, मेरी ही स्तुति है. तो फिर ये निराकार कैसे हो सकता है? और हमने देखा था एक एक जो श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम का प्रभुपाद जी ने इस गिवन ह्यूज ह्यूज परपट्स. कोई कोई परपट तो दो दो तीन तीन चार चार पेज का है और हमने उसको डिटेल में देखा था. एंड वेरी नाइसली प्रभुपाद जी ब्रिंग्स ना पूरा ही बॉइल्स आउट टू कि भगवान निराकार नहीं है. और यहाँ पे अगर हम लोग देखें अगेन श्रीधर स्वामी महाराज जी भी जो है इस कमेंट्री में इसकी पुष्टि करते हैं कि ये श्लोक से देख सकते हैं कि वो चतुर्श्लोकी भागवतम वो निराकार के नहीं है. भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये मेरे लीलाओं का वर्णन है. तो जब लीलाओं का वर्णन है भगवान के तो फिर वो भगवान कृष्ण के, तो हाउ कैन इट कैन बी निराकार? तो
जस्ट टू कंक्लूड हम लोग देख सकते हैं इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था उद्धव जी को, उद्धव जी का सराहना किया, उनको बताया कि आप कितने अच्छे भक्त हो और ये जो तुम्हारा जन्म है ये लास्ट जन्म है और टॉप मोस्ट है ये जन्म तुम्हारा, एंड बोलते हैं कि ये मीटिंग भी जो हमारा हो रहा है इस एकांत स्थान में, दिस इज योर ग्रेट फॉर्चुनेट, तुम्हारा एक वर है। और इस श्लोक में हम देखते हैं सेकंड वाले श्लोक में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये जो चतुर्श्लोकी भागवतम है ये मेरी लीलाओं का वर्णन है। तो जब भगवान की लीलाओं का वर्णन है तो वी कैन डायरेक्टली वी कैन कनेक्ट कि ये चतुर्श्लोकी भागवतम जो ओरिजिनल है इट कैनॉट बी इम्पर्सनल। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और किसी को कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। शंकराचार्य भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कटे रविंद्र की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। obviously आपका explanation excellent, I am not even qualified to say that, and I thank you also for giving me the opportunity because इसके वजह से ही I actually last night I sat up late, तो थोड़ा points at least मुझे add करना है to understand all this. Hopefully Prabhuji, I'll be able to express my views correctly, especially in Hindi. Apologize for that if there are mistakes, and if there are mistakes in my thought process also, and look forward to your guidance. Prabhuji, with that I will start. First aapne bahut acha explain kiya about Uddhav ji ka unflinching devotion and Bhagavatam ka, you refer to that verse also, hai to ki apratiyata yayatma suprasidati. Dusra aapne gave an example of Prahlad Maharaj also, hame 23 hours sufficient hai, 4 hours kafi nahi hai, absolutely, so 24 hours har time Bhagwan ke bare mein sochna chahiye, and we have to get to that stage. And ye point bhi bahut acha aapne connect kiya Prabhu ji, about how Uddhav ji kuch verses ke pehle wo thoda dukhit hue, and wo keh rahe the ki asur log ko bhi Bhagwan ka roop dekhne ka avsar milta hai, and so maybe us desire ke wajah se Uddhav ji jaane ke pehle he pushed himself to go and see Bhagwan, and wo desire I think bahut important hai and can be seen in a pure devotee like Uddhav ji. Then ek aur point aap keh rahe the, this point Prabhu ji I have a question, so I will take it in the end, I'll ask the question from you. Then aap is sun ka comparison and anant shesh ka jo past times anant shesh ne took up this responsibility, abhi tak iska responsibility chal raha hai kyunki Bhagwan ka past times and leela still going on. So वो example भी बहुत अच्छा था प्रभु जी. एंड देन आप चतुर्श्लोकी भागवतम के बारे में कह रहे थे, एंड देन हाउ श्रीधर स्वामी का एक्सप्लेनेशन भी कम्स टू द कंक्लूजन दैट भगवान का फॉर्म है वो निराकार नहीं है. प्रभु जी थोड़ा पॉइंट्स आई थॉट आई विल शेयर. So first 3.4.12 में मुझे the first thing that came to my mind में इस verse से हमें थोड़ा idea मिल रहा है कि क्या qualifications होना चाहिए to enter the spiritual world. आपने बताया कि वो perfect living entity liberated state में हमें first वहीं पे आना चाहिए, यानी sense gratification से मुक्त होना चाहिए, and ये this निराकार और to this merging concept से, यानी सायुज मुक्ति से या मुक्ति उससे मुक्त होना चाहिए हमें. देन दूसरा ये भी आप बता रहे थे कि उद्धव वॉज वेरी फॉर्चुनेट
जब मैंने भी ये फॉर्चुनेट व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्ड, मुझे इट टुक मी टू दिस पॉइंट ऑफ भगवान का वो स्पेशल कॉस्टलेस मर्सी या स्पेशल मर्सी होना चाहिए, ओनली देन हम यू नो वी कैन एंटर द Vaikuntha planets. Then this took me to an example that Prabhupada ji had given. This causeless mercy or special mercy, honorary degree jaisa hai. So kuch log to you know college bina college jaake ya school jaake usko you know honorary degree milta hai. So aisa hi Bhagwan ka special mercy hota hai. पर वट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल को अवॉइड करके डिग्री मिलेगा यू नो वेट नहीं करना चाहिए. अगेन गोइंग बैक टू द ट्रांसलेशन, बहुत यू नो एम्फेसिस ये दिया गया है कि वॉट वॉज उद्धवास क्वालिफिकेशन, प्योर एंड अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस. सो हमें भी वो कॉस्टलेस मर्सी के लिए वेट करना है, बट वेट करते समय हमें हमारा यू नो डिवोशनल सर्विस वॉट एवर इज गिवन टू अस वो पूरा अच्छी तरह निभाना चाहिए एंड एग्जीक्यूट करना चाहिए. सो दैट वॉज वन पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड देयर वॉज प्रभु जी एक और पॉइंट यहाँ, आई वॉज लिसनिंग टू वन लेक्चर. सो यहाँ देयर इज अ सेंटेंस, दस रिसीव द लॉर्ड्स परमिशन टू एंटर Vaikuntha. सो अगर परमिशन देना है तो उसके पहले रिक्वेस्ट होना चाहिए. एंड व्हाट इज द रिक्वेस्ट? दैट डिजायर, अनफ्लिंचिंग डिजायर. सो हमें वो डिजायर होना चाहिए, ओनली देन ये परमिशन मिलेगा टू एंटर द यू नो Vaikuntha प्लैनेट्स. देन वन मोर पॉइंट दैट वाज इंटरेस्टिंग यहाँ वाज अबाउट चॉइस, प्रभु जी चॉइस एंड फ्री विल. बिकॉज यहाँ इट इज सेड दैट भगवान वॉज वेरी हैप्पी एंड ही गेव हिम द बोन, यू नो एंड ही गेव दैट बोन फॉर हिम. सो इसका मतलब ये है कि हमें वो फ्री विल है, चॉइस है. उद्धव को यू नो भगवान को जाने का यू नो नोबडी फोर्स्ड हिम, भगवान ने फोर्स नहीं किया उसको. ये यू नो वेर एवर ही वाज स्टेइंग अलोन और लोनली, उस जगह पे उद्धव को जाने का ऑर्डर नहीं था. बट उद्धव ने अपने फ्री विल को यूज करके ही वेंट टू सी द लॉर्ड. सो एंड दैट इज व्हाई भगवान भी उसको कंग्रेचुलेट करते हैं, उसको यू नो ये बून कहते हैं कि ये बून है. सो इसका मतलब ये है कि हम सबके पास वो फ्री विल है विच भगवान ने दिया है, एंड हमें उसको राइट तरह उद्धव जैसा यू नो शुद्ध भक्त को देके हमें वो यूज करना चाहिए. एंड प्रभु जी नेक्स्ट वर्स में जो निराकारवाद एंड उसका यू नो आर्ग्यूमेंट को इट हैज बीन कंप्लीटली डिफीटेड, एंड ये बहुत अच्छा एविडेंस एंड प्रूफ है. सो मेरा अंडरस्टैंडिंग या अल्टीमेटली इस वर्स का हमें क्या पर्पस है? कृष्णा ने ब्रह्मा को अपने पास्ट टाइम्स के बारे में, ग्लोरीज के बारे में, ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज के बारे में वो नॉलेज दिए थे. देन उद्धव जी को अगेन यू नो ही इज गिविंग दैट नॉलेज, एंड हम सबको भी ये नॉलेज डिसाइपलिक सक्सेशन से आ रहा है. सो क्यों? क्योंकि टू अवेकन आर लव फॉर कृष्णा, कृष्णा किस फॉर्म में एज अ पर्सन, बिकॉज उसका फॉर्म्स क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम से ही हम कृष्णा को रिकग्नाइज कर सकते हैं. दैट इज व्हाई द मैसेज इज हम सब यू नो टेक्निकली सो रहे हैं, इस नींद से हमें जगाना चाहिए. इसलिए भगवान ने यू नो इज टॉकिंग अबाउट द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्णा प्रभु जी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. मेरा एक क्वेश्चन प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड दैट उद्धव का भक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम द भक्ति ऑफ गोपीज. वो भी अब बहुत यू नो सुंदर पास्ट टाइम से यू डिस्क्राइब हाउ चरण धूल टू क्योर द लॉर्ड्स हेडेक. मेरा यहाँ सो वो अंडरस्टैंडिंग यू नो आई हैव दैट Gopis will go to Golok Vrindavan, and Uddhav ji, although you know Shuddha Bhakti, thoda you know not Gopiyon ka, because I remember reading somewhere else also that Uddhav ji is also praising you know Gopiyon ka, jaise Chaitanya Mahaprabhu bhi you know kehte hai Gopiyon ka love for Krishna. Mera question ye hai
कि 3.4.12 में एक रेफरेंस है टू द वैकुंठा प्लैनेट्स. सो जब यहाँ दिस रेफरेंस टू वैकुंठा प्लैनेट्स, इज इट हमें शुड वी अंडरस्टैंड इट एज 3/4 एंड 1/4 मटेरियल वर्ल्ड 1/4 3/4 वैकुंठा प्लैनेट, या हमें वैकुंठ लोक एंड गोलोक वृंदावन का डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसा अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रभु जी? दैट वाज माय क्वेश्चन. बिकॉज सो द यहाँ का रेफरेंस पूरा वैकुंठ लोक विच इंक्लूड्स बोथ वैकुंठ एंड गोलोक, या यहाँ का रेफरेंस इज बिटवीन द मेटीरियल भौतिक 1/4 ऑफ दिस भौतिक वर्ल्ड एंड 3/4 ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड या वैकुंठ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Thank you, Mataji, for so many wonderful points. और दूसरा ये जो question था, whether it is the three-fourths, त्रिपाद विभूति है या it is exact वैकुंठा, तो we can understand कि जब प्रभुपाद जी वैकुंठ बोल रहे हैं तो it is वैकुंठा, because if not he would have said spiritual world, I will send you to spiritual world. त्रिपाद विभूति जो थ्री फोर्थ जो वर्ल्ड है वो, लेकिन प्रभुपाद स्पेसिफिकली सेइंग वैकुंठा. एंड व्हेन इट कम्स टू प्योर डिवोटीज लाइक गोपीज और गोपाल, ही स्पेसिफिकली मेंशंस वो गोलोक की बात करते हैं. तो वी शुड टेक इट एज इट इज, जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है कि वैकुंठा. एंड ऑल्सो वी कैन से, हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उद्धव जी जो है वो जो अष्ट वसु हैं उनके एक अंश हैं वो उद्धव जी. सो वसु अगेन दे आर काइंड ऑफ डेमिगॉड्स, वो देवता है और जो भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण रूप में वो उनको पूजा करते हैं, या उनका जो है ये कि ओ ही सो ग्रेट ऐसा. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो जो इम्प्रेशन है एज ए वसु, ही इज कैरिंग दैट एंड दैट्स वाई सेंडिंग हिम टू वैकुंठा. तो मतलब वो डेमिगॉड बन के वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आए थे और वो अपना सेवा कर रहे थे, लेकिन जब वो उद्धव बने देन ही सेंड हिम बैक टू वैकुंठा. सो यू शुड टेक आई थिंक एज इट इज, नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जैसे मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आई एम गोइंग टू अर्थ, अर्थ में कहाँ पे भी हो सकता है, बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टू मुंबई, इट इज स्पेसिफिकली इट इज इंडिया. इंडिया में भी I am going to the western side, western maybe जो है मुंबई. एंड जब स्पेसिफिकली मैं तो एड्रेस में देता हूँ तो आई एम पर्टिकुलर कि आई एम गोइंग टू गो देर, इट्स नॉट वेग. तो प्रभुपाद वॉज वेरी स्पेसिफिक, वो हमेशा बोलते थे. एंड एंड इफ यू कनेक्ट ही बींग ए वसु वर्शिपिंग, मतलब वो ऐश्वर्य रूप में करते थे, तो वी कैन अंडरस्टैंड ही मस्ट हैव गॉन टू वैकुंठा, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं. दिस नो डाउट अबाउट इट. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता. हरे कृष्ण. यस प्रभु जी, थैंक यू. बिकॉज इन सेवरल प्लेसेस इट इज यूज्ड, दैट्स व्हाई यू नो आई हैड दैट कंफ्यूजन. अब बहुत क्लियर है प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू माता. थैंक यू. हरे कृष्ण. आई थिंक सरुदेव प्रभु जी ने हाथ उठाया था. सरुदेव प्रभु या हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु. या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु, थैंक यू सो मच टेकन दी सेवा प्रभु. बहुत शॉर्ट नोटिस में प्रभु आपने सेवा लिया प्रभु. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. और प्रभु प्रभु मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था प्रभु कि आज का जो श्लोक में यहाँ पे उद्धव जी के बारे में बता रहे थे, और वो जो उसमें ये बताया कि प्योर एंड अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस, तो हमने प्रभु ये टॉपिक कवर किया था कि किस तरह से उद्धव जी जो जब बचपन में भी, मतलब भगवान इतने छोटे में भी वो भगवान के प्रति कितना उनका प्रेम था, कितनी भक्ति थी उनकी. एंड मतलब ऑन जैसे हम सुनते हैं ना प्रभु की, मतलब जैसे प्रहलाद महाराज, मतलब बचपन से ही वो भक्ति में थे. तो वी थैंक्स टू प्रभुपाद कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आए. एंड वी नो ऑल दैट 16 संस्कार, जिसमें गर्भदान संस्कार से लेकर, मतलब बचपन से हम ये सब नॉलेज ले सकते. तो फ्रॉम दैट डेफिनेटली यहाँ पे जैसे वैकुंठ में हम एंटर हो सकते.
सो थैंक्स टू प्रभुपाद कि हमें इतना कुछ प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, ये सब नॉलेज हमें शेयर किया प्रभु. सो थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज एंड मतलब इससे ही हम प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर कि हमें कितना कुछ बताया प्रभुपाद जी ने, जो इवन हम वी डोंट नो ऑल्सो ऑल दिस थिंग्स. तो मैं वही यही यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था. हरे कृष्ण. या थैंक यू सर, देखो थैंक यू कुंजेश्वरी. मैं खाली एक मिनट लिखता हूँ, मेरे को एक पॉइंट और एक स्ट्राइक हो गया मुझे. तो जैसे वैजयंती माता जी बता रही थी कि उद्धव का क्वालिफिकेशंस क्या है, लिबरेटेड स्टेज. तो भगवान भगवद गीता में भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्मभूत स्थिति तक पहुँचना है तब हम लोग एंटर कर सकते हैं. तो ये ब्रह्मभूत या लिबरेटेड स्टेज यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड, ये ब्रह्मभूत स्टेज जो है इट इज नॉट गोइंग टू जो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसके बारे में नहीं. लिबरेटेड इज नॉट दैट मुक्ति वाला जो है वो, इट इज नॉट मुक्ति ऑफ सायुज मुक्ति, उनके जो भगवान के रेज में ब्रह्म ज्योति में लीन होना उसके बारे में. ये हैज टू बी बहुत ही शुद्ध होना है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं उद्धव जी है. एंड the devotee has to be very very pure. कैसा है तो हम लोग जानते हैं जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सब चीजें छल कपट है, ये सब चीजों से दूर रहना. तो भक्त जो है वो कभी भी झूठ बोलना या छल कपट करना, कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्तों के बीच में भी छल कपट होता है, झूठ बोलते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए ये. इट शुड बी पार्ट, जैसे वो अतुल कृष्णा प्रभु जी बोल रहे थे, एक उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत एकदम मेरे दिमाग में घुस गया कि एक फ्रूट है, अगर मैंगो जूस है तो उसमें से क्या निकलेगा, अगर हम लोग उसको स्क्वीज करते हैं तो क्या निकलेगा, मैंगो निकलेगा. चाहे मैं स्क्वीज करूं या कोई सर्वदेव स्क्वीज करे या वैजयंती माता जी स्क्वीज करे, कोई भी करे, उसमें से मैंगो जूस निकलेगा. तो वैसे ही एक जो डिवोटी है, ऐसा नहीं है कि वो आम है तो वो गोपी मनोहर के हाथ में स्वीट है, सर्वदेव के हाथ में है तो वो बिटर है, किसी के और के हाथ में गया तो वो तीखा हो गया, नहीं. तो वैष्णव इज ऑलवेज वैष्णव, उसका जो डीलिंग्स है इस एग्जैक्ट एज इट इज, ऐसा नहीं है कि एक के लिए एक है दूसरे के लिए वैष्णव. और इसके लिए हम लोग देख सकते हैं तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराज का जो आई रियली लव दैट कैरेक्टर, ही सच ए वंडरफुल डिवोटी. उनके जीवन में मतलब ऐसा छल कपट तो दूर की बात है, वो इवन अपना सब कुछ वो देने के लिए तैयार थे. वो जैसे वो दिन भी सनातन प्रभु जी ने जो अनाज वाला जो बताया या गन्ने वाला जो सूरत माता प्रभु जी ने एक बार बताया था, इट इज सो सो वंडरफुल. ये क्वालिटी बिना छल कपट, बिना झूठ बोले, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को तकलीफ दिए. तो हमने देखा था वैष्णव का, हम लोगों ने काफी पहले हम लोगों ने 26 क्वालिटी देखा था. तो ईच एंड एवरी क्वालिटी जब हमारे अंदर 100% तक आएगा, दैट टाइम वी कैन से दैट we are at liberated stage and then we'll be able to enter. Abhi hardly, I think mere mein to 0.001% mein aur 26 mein se ek bhi nahi hai, but mujhe pata hai ki ye quality hai, I need to develop and I'm working on that. To ye apna jo goal hum log bana lenge ki mujhe vaishnav banna hai, mujhe ye cheez galat hai, mujhe ye nahi karna hai, ye cheez mujhe karna hai to karna hai, it may take time. Hamesha we should have a goal. ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो कैसे है ना, ऐसे होगा ही नहीं. वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू चॉक आउट. हम लोग का लाइफ में है ना, हम लोग को ये करना है कि ये कार्य मुझे करना है, ये कार्य मुझे नहीं करना है, ये मेरा आदत जो है ये मेरा गलत है, इसको मुझे पूरी तरह से निकालना है. भले इसको मुझे 10 साल लगे, 5 साल लगे, तो वी शुड वर्क ऑन दैट. तो ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है. एंड That is the quality Prabhupada ji is talking about liberated stage. जब devotee के जो quality का बात कर रहे हैं, तो we should aim at that. ऐसा नहीं जस्ट मैंने 16 माला कर लिया, सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, मंगल आरती अटेंड करता हूँ और बाद में भक्तों के साथ में जो कैसे भी बिहेव कर रहा हूँ, नो, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं. सो वी नीड टू बी इन ए प्रॉपर वैष्णव एटीट्यूड.
then only we will progress. So I just wanted to highlight it in this type of, yes, Kunjeshwari. हरे कृष्णा, जैसे कि आपने कहा कि गोपिया जो है उनका भाव जो है वो वही सब गोलोक में जा सकती है, तो हमारे जो परंपरा में है महाप्रभु के आने तक माधवाचार्य तक सब वैकुंठ लोक में ही जाते थे। जब महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए तब से हमारी परंपरा भी जैसे गौड़िया वैष्णव परंपरा हो गई और तब से हम लोग गोलोक, और फिर उसके बाद सब मंजरी आने लगे जो आचार्य है वो सब, और प्रभुपाद जी जैसे पिछले श्लोक में बोलते हैं कि हमें हमारी एक इच्छा होनी चाहिए, तो हमारी इच्छा भी ऐसी होती है कि हमें गोलोक धाम जाना है, हमें ना वैकुंठ, तो ये सब हमारे आचार्य और माँ प्रभु की कृपा है, इसकी वजह से हम लोग। हरे कृष्ण। यस, वेरी नाइस पॉइंट। यहाँ पर मैं ये खाली ये ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी ये जो चार संप्रदाय है, जो फोर ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज है हमारी स्पिरिचुअल स्टडीज की, इसमें कोई भी गोलोक तक नहीं ले जाता। इवन मध्वाचार्य जी का जो था टेक टू जो है ऐश्वर्य वैकुंठा, रामानुजाचार्य का देखें तो भी वैकुंठ, एनी बड़ी वैकुंठ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं वो कि भाई गोलोक वैराग्य को लेके जाना है, एंड ही प्रेजेंटेड दैट मूड कैसे होना चाहिए, खुद उन्होंने दिखाया राधा रानी के भाव में। और ये सब टीचिंग्स हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे जो भक्त हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब जो है so wonderful devotees, श्रील प्रभुपाद, अगर उनका कृपा नहीं होता तो स्टिल जो है हम लोग, एक तो पहली बात तो वी आर नॉट प्योर, हम लोग वैकुंठ पे जाने तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, दैट इज ऑल्सो डाउटफुल अंटिल अनलेस वी स्ट्रगल, हमारा पूरा एफर्ट है नहीं मुझे एक अच्छा वैष्णव बनना है, देन ओनली वी आर गोइंग टू बोलते ना उस एम तक पहुंच पाएंगे। सो वी नीड टू गियर अप, नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे फोकस करना है, आई नीड टू बी स्ट्रेट। ये एक अच्छा पॉइंट है। यस, थैंक्स टू चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान ही हैं और ये मूड सिखाने के लिए हम लोगों को आए। थैंक यू कुंजेश्वरी, हरे कृष्ण। या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। अंतराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। और हम लोग लेते हैं नरसिंह आपकी, हरे कृष्णा।